तो ये जगह एक्सप्लोर करते हैं। इनसे मैंने आज रिक्वेस्ट किया है कि यार आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे कि आपके लिए ये ख़तरनाक रास्ते अबूर कर रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियोस जो भी देखे इसको ज़रा दिल खोल के लाइक करें। हम अपनी जान पे खेल के वीडियोस बना रहे हैं कि आप लोग इसको देखें। ये हमारा टूरिस्ट गाइड है सलमान खान। ये मुझे आज कोई एशियंट क्या दिखा रहे हैं, एशियन रूट मुझे दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप मुझे काइंडली इसका गाइड करें। तो ये यहीं ख़तरनाक रास्ते हैं और नीचे काई है, नीचे स्वाद का दरिया है, सामने जंगलात हैं। आप देख रहे हैं कितनी से तंग से रास्ते से गुज़र रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। सर आप तो आदि हैं, हम लोग तो इधर के आदि नहीं हैं। ओ हो 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 खतरनाक जगह है खान जी, थोड़ा सा एहतियात करके आएंगे, अल्लाह खैर करे। आए हाय, आए हाय हाय, आप ये देख रहे हैं पहाड़ की चट्टाने हैं ये जिस पे हम चल रहे हैं। इट्स नॉट ईजी टू वॉक इन, बट वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लोर द आवर हिस्ट्री दैट वी आर शोइंग यू। माउंटेन रॉक्स, माउंटेन्स, पहाड़ों की ये चट्टाने, सख्त चट्टाने, हा। आप जिस तरह देख रहे हैं ये ब्लेड से भी ज़्यादा तेज़ है। खान जी ये सामने जो जगह नज़र आ रही है इसकी क्या हिस्ट्री है यार? ये जगह बेसिकली लीवी के लिए बनाया गया था, जिधर मतलब एंशियंट साइट थी, तो इसके लिए बनाया गया था कि लोग मतलब चुपके से यहाँ खुदाई ना कर, जितनी भी मतलब एंशियंट चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट या जितनी भी मतलब वो नवादरात वो निकालना, तो लीविस की ये चीज पोस्ट थी। अच्छा, कि उसको सिक्योर कर सके जगह, मतलब जो साइट था एंशियंट उसको सिक्योर करने के लिए ये जगह जो ना बनाई गई। अच्छा, आप जिस तरह देख रहे हैं ये जो चेक पोस्ट है ना, ये लेविस चेक पोस्ट बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड पे एंशियंट साइट थी और एक स्टूपा था। ठीक है, स्टूपा को जो है ना प्रोटोकॉल मतलब उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे ये एक चौकी बनाई थी, कि ये उसकी सिक्योरिटी कर सके, कि उस पर कोई इसको डिस्ट्रॉय कोई ना कर सके, उसकी हिफाजत के लिए। बिल्कुल। तो ये किस तकरीबन 1800 साल पुरानी जगह। अच्छा, एशियंट साइड जो है 1800 साल पुरानी है, और ये साइड ये जगह जो बनाई गई थी 1980 तक ये फंक्शनल था, अभी जो है ना वो मतलब, और ये वाली जो चेक पोस्ट है 1980 तक फंक्शनल थी, उसके बाद जो है ये अनफंक्शनल होगी, क्योंकि इसका वो इसे 12 के तहत लीवी का, इसमें 8 से लेकर 12-15 मतलब लीविस के मतलब सिपाही दिन नाइट को वो ड्यूटी देते थे इस किले में, ये छोटा सा जो है इस छोटे किले में। ठीक है, और बेसिकली जो लीविस थी, तो लीविस पहले मतलब एजेंसी में सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी फोर्स की तरह होते थे, तो वो मतलब उनकी भी जो बुनियाद है वो ब्रिटिश ने रखी है, लीविस मतलब ब्रिटिश ने बनाई ये फोर्स में। ठीक है, मलाकंड डिवीजन के लिए। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश ने अपने मतलब जितने भी उनके फोर्ट था, या चिकदर्रा फोर्ट, ठीक है, जो ब्रिटिश का था, उसको सिक्योर करने के लिए, और जो एंशियंट साइट है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और स्टूपा वो ऊपर जिधर से हम हो गए हैं, जी जी, उसको सिक्योर करने के लिए मतलब उन्होंने ये जगह बनाई थी, ताकि मतलब लोग और मतलब जो चोर थे वो डिस्ट्रॉय ना करें। अच्छा, तो ये अब ये ख़त्म हो गया, नॉन ये मतलब ख़त्म हो गया है। ये किस टाइम बनी थी ये जगह? ये 1968-67 तक बनी थी। अच्छा, 1968 और 67 में ये जगह बनी थी एफसी। जी, 1980 तक फिर मतलब पेंशनर, तो इसके बाद जो है ना फिर वो
और वो जो एशियन साइट है जो ऊपर हम देख के आए हैं वो कितने उसकी क्या हिस्ट्री से 2000 साल तक पुराना है मॉनेस्ट्री है। अच्छा। और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और स्टूपा था ताकि जो एंशिएंट वॉरियर्स थे तो उससे छुपाने के लिए और दूसरा ये कि जितनी भी मतलब ग्रीनरी एरिया थी तो वहाँ मतलब वो खेत या इस तरह के फसल उगाते थे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और पानी जितनी भी मतलब रिवर्स उसके साइड में मतलब ये अपनी मॉनेस्ट्री और स्टूपा बनाते थे ताकि वो अपनी मतलब पुरसकून जगह वो अपनी इबादत और ज़िंदगी गुजार। अच्छा, आपका कहने का ये है कि जो बुद्धिज़्म है ये ऐसी साइड पसंद करते थे जहाँ पे या तो पानी साथ हो या ग्रीनरी हो और यहाँ पे किसी दूसरे की रास्ता ना हो ताकि क्योंकि ये जो रास्ता है ना आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज बनी हुई है इससे महमूद गजनवी जो ना इससे गुजरा था हिंदुस्तान में जो उन्होंने 17 हमले किए थे तो ये उनका एंशिएंट रूट है वो बाजौड़ के नवागढ़ से आया था इस रूट से। तो अच्छा ये आपने बहुत अच्छी बात की है ना व्यूअर्स, मैं आपको दिखा दूँ ये जो पुल है इससे जो है ना सुल्तान महमूद गजनवी इस पुल से जो है ना पुल ओके उस टाइम पुल नहीं था मतलब ये जो मतलब रूट है तो यहाँ से फिर वो गुजरे थे तो वो स्वात में एक जगह थे राजा गिरा उसका बादशाह था तो उस जगह पर उन्होंने अपना फिर वो अपना कमांडर भेजा पीर खुशा बाबा तो फिर उन्होंने हमला किया तो उस हमले में वो शहीद भी खुद हुए और मतलब वो जगह जितनी वो उन्होंने फिर वो कैप्चर कर दी। उसके बाद मतलब पश्तून और मुसलमान जो थे मतलब इस्लाम जो थे फिर फैलना स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर तो 391 मतलब BC अलेक्जेंडर भी यहाँ एग्जैक्टली अलेक्जेंडर जो था वो भी यहाँ से मतलब गुजरे थे लेकिन वो इस रास्ते से नहीं वो तकरीबन 17-18 किलोमीटर आगे एक जगह उसे कहते तालाश में एक जगह फिर मसागा ठीक है मसागा में उन्होंने पड़ाव डाला था 4 महीने। अच्छा जी तो हिस्ट्री और कॉलेज के मुताबिक फिर वहाँ मतलब एक फीमेल थी जो हेड कर रही थी इन लागू को तो इस तरह हिस्ट्री में लिखा है कि वो फीमेल जो थी एक मतलब ऊंचे पहाड़ पर खड़ी होकर उन्होंने पत्थर से अलेक्जेंडर को मतलब ज़ख्मी किया था। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर द किंग द ग्रेट उसको यहीं पे शिकस्त हुई थी यही स्वात में ऊपर जी स्वात के बुनेरे इलाके में भी उनको शिकस्त हुई थी। इसके अलावा जो अफगानिस्तान का जो बाजौड़ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लोअर दिर के साथ एक मतलब बॉर्डर लगता है इसे बाजौड़ में एक इलाके नवागई तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो नवागई से होकर नवागई पास से होकर डिस्ट्रिक्ट लोअर दिर के एक इलाका था तालाश में फिर वो गाँव है उसको मसागा कहते हैं तो मसागा तक वो आए थे फिर मसागा से आगे उन्होंने स्वात का रूट ले लिया बरीकोट तक गए बरीकोट में उसने बिल्कुल वो बरीकोट का इलाका उन्होंने फिर कैप्चर कर दिया बरीकोट से आगे फिर वो बुनेर गए बुनेर के भी मतलब बुनेर के लोग जो लोकल थे उन्होंने मतलब मुजामत की वो इलाका भी उन्होंने फिर वो कैप्चर किसके बाद फिर वो पंजाब की तरफ मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट को स्वात में पख्तूनों ने शिकस्त दी है जी मतलब ये कि ये जो इलाका है सारा ये बिल्कुल एंशंट मतलब एंशंट रूट है ठीक है यहाँ से बहुत मतलब कदीमी लोग जो ना यहाँ से मतलब गुजरे हैं महमूद गजनवी भी यहाँ से गुजर के हिंदुस्तान उन्होंने फतह किए पहले उन्होंने अपनी यहाँ से अपना एक कमांडर भेजा था स्वात में एक इलाका है वहाँ एक बादशाह था राजा गिरा तो राजा गिरा को शिकस्त देकर फिर वहाँ ये 711 AD की बात है जिस टाइम से महमूद गजनवी हिंदुस्तान आया था उसके बाद यहाँ से वो जो है हिंदुस्तान के लिए उसने फतवात का सिलसिला स्टार्ट किया था तो ये इतनी एशियंट साइड जो जिधर हम खड़े तो यहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ की जो बाजौड़ की ये जगह से हम आपको इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये जगह एक इतनी कदीम जगह है ये साइड जिधर हम खड़े हैं ये दरिया स्वात बह रहा है हमारे सामने अकब में ये पीछे स्वात का पुल है जहाँ से महमूद गजनवी अलेक्जेंडर ग्रेट गुजरे और ये बैक साइड पे जो हमारी जगह है ये यहाँ पे बुद्धस की जो है ना बुद्धस मिनिस्ट्री वो थी उनकी यहाँ पे स्टैचू थे तो ये बहुत कदीमी प्लेस है जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे हम आपके एक और जगह दिखाना चाहते हैं इसकी भी फिर अपनी एक हिस्ट्री है जी तो चले देखते हैं वो भी एक्सप्लोर कर सईद अबरा बलाटू ये जो है अभी हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यार ख़तरनाक रास्ता है पर ट्राई करेंगे कि क्या होता है। आप देख रहे हैं जैसे ये जगह जिधर हम पहुंच गए हैं ये आपको अब सलमान भाई पूरी डिटेल में बताएंगे कि ये कौन सी जगह है। सर ये बेसिकली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और मॉनेस्ट्री का हम इस तरह कह सकते हैं कि वो उस तरह बनाते थे कि पहले मतलब
जो एंशंट उनका मतलब वो स्ट्रक्चर था, जिस तरह वो मतलब आजकल इंजीनियर्स बनाते हैं, तो पहले ये बड़े पत्थर लगाते थे इस तरह दो, इसके बीच से फिर वो छोटे छोटे इस तरह कंक्रिया जो थी वो स्ट्रेट इस तरह वो फिर रखते थे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है एक मॉनेस्ट्री की एक दीवार है जो अभी मतलब अपने सही हालत में नहीं है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आप अच्छा। ये देख सकते हैं ये पत्थर बीच में से और ये बड़ा, तो ये एक दीवार है मॉनेस्ट्री की। अच्छा, तो इसको मतलब एक्सप्लोर कई दफ़ा इसको एक्सप्लोर किया गया, इसमें मतलब खुदाई की गई, इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ से निकाल ली गई। अच्छा, ऊपर लेकर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की वजह से तो वो अभी मतलब ओरिजिनल मतलब अगर इसका ख्याल किया जा सकता तो ये बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे लोग आ सकते थे। हमारी हिस्ट्री है ये, एक बहुत बड़ी हमारी जो है विरसा में एक आती है हमारे। तो ये जगह हम आज आपको एक्सप्लोर करके लाएँ, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये एक बिल्कुल एक साइड पे जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जो जिस तरह की अब जिस तरह ये सलमान भाई है जिनकी ये फील्ड है, एज इन्होंने जो है टूरिज़म मैनेजमेंट में जो है मास्टर की है, इनकी क्वालिफिकेशन इसमें इनकी रिसर्च है, तो इनको जिस तरह के यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ों में पता है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे आज लेके आए, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने आज ये एक्सप्लोर किया है कि हिस्टोरिकल प्लेस। इसका एज अ क्या, इसको किस नाम से हम बोलेंगे? ये मॉनेस्ट्री, ये मॉनेस्ट्री बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो ये इसका सीन।